अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल स्टडी गोल। आज का हमारा टॉपिक है अहमद नदीम कासमी। आज हम क्या करेंगे कि अहमद नदीम कासमी की ब्रीफ बायोग्राफी करेंगे, जिसमें इनकी स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़, इनकी पोएम्स, नॉवेल्स, इनकी अर्ली एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड पर्सनल लाइफ, इन सारे टॉपिक्स को हम डिफ़ाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अहमद नदीम कासमी वॉज बॉर्न इन ब्रिटिश इंडिया ऑन 1916। हिज पेन नेम वॉज नदीम कासमी एंड हिज रियल नेम वॉज अहमद नदीम अवान। ही बिलोंग्स टू अवान फैमिली। वो अवान कास्ट से बिलोंग करते थे और वो 1916 में पैदा हुए थे ब्रिटिश इंडिया में। इनका पेन नेम था, जो राइटर मोस्टली कॉमनली अपने वर्क में यूज़ करते हैं, नदीम कासमी था वो, और रियल नेम इनका था अहमद नदीम अवान। He was an Urdu language Pakistani poet, short story writer, scholar and playwriter. वो प्ले राइटर भी थे, पोइम्स भी उन्होंने बहुत सारी लिखी, 11 वॉल्यूम्स ऑफ पोइम्स हैं उनकी। शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और उनका जो कॉन्टेम्प्ररी था वो उर्दू लिटरेचर था, उर्दू लिटरेचर से उनकी मुनासबत थी। अर्ली एजुकेशन, ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम हिज विलेज आंगा। इनका जो विलेज था आंगा, जहाँ ये पैदा हुए थे खुशाब डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे इन्होंने अर्ली एजुकेशन गेट की थी। ही डिड और ग्रेजुएटेड फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ग्रेजुएशन उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी, लाहौर से। अवार्ड्स, इनको दो अवार्ड्स मिले थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे, एक 1968 में और एक 1980 में। पहला अवार्ड जो इनको मिला था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का, जो 1968 में मिला था, एंड स्टार ऑफ एक्सीलेंस दूसरा अवार्ड था जो 1980 में मिला था। स्टार ऑफ एक्सीलेंस भी कहेंगे और सितारा इम्तियाज़ भी कहेंगे उर्दू में। हिज नॉवेल्स आर, उनकी जो नॉवेल्स थीं, तहजीब व फ़न, गर्दाब, गश्त, दश्त वफ़ा, घर से घर तक, दर व दीवार, ये सारे इनके नॉवेल्स थे। और शॉर्ट स्टोरीज इनकी कौन कौन सी थी, वहशी और सन्नाटा, ये दोनों इनकी शॉर्ट स्टोरीज थी। वहशी जो इनकी शॉर्ट स्टोरी है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट ओवरऑल वर्क ऑफ कासमी, ही रोट 50 बुक्स इंक्लूडिंग फिक्शन, पोइट्री, आर्ट, क्रिटिसिज्म एट्सेट्रा। इन्होंने क्रिटिसिज्म के बारे में भी लिखा, जर्नलिज्म के बारे में लिखा, आर्ट के बारे में, फिक्शंस इन्होंने लिखी जिसे अफसाना कहते हैं, पोइट्रीज इन्होंने बहुत सारी लिखी। ही वॉज ऑल्सो पब्लिशर ऑफ द लिटरेरी मैगजीन फ़नून। जो मैगजीन था फ़नून, उसके पब्लिशर जो थे वो अहमद नदीम कासमी थे। डाइड इन 2006 में उनकी डेथ हुई थी, और उनकी डेथ किस वजह से हुई थी, वो बहुत सख्त बीमार हो गए थे। ही पास्ड अवे ड्यू टू अस्थमा। अस्थमा की वजह से उन्हें अस्थमा हो गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। व्यूवर्स, प्लीज़ चेक आउट माय वीडियोस एंड लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।